हाय एवरीवन सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे होता है डीएनए एक्चुअली एक पॉली न्यूक्लियोटाइड है एंड ये पॉली न्यूक्लियोटाइड में थ्री पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इट हैज़ अ शुगर दैट इज़ अ फाइव कार्बन पिंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस दैट कंटेन्स अ रिंग स्ट्रक्चर एंड फॉस्फेट ग्रोप शुगर जो डी में प्रजेंट होती है इसमें फाइव कार्बन है जो पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ दैट इज़ कॉल्ड टू डी ऑक्सीराइबोस टू डी ऑक्सी राइबोस बिकॉज एक ओ OH एच जो सेकेंड कार्बन मोलिक्यूल पे प्रजेंट होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाई दी हाइड्रोजन डी एन ए में फोर डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं प्रेमडनन प्योरिन के बारे में मैं आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ सो so, इनमें फोर डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं एडेनिन गिन साइटोसिन थायमिन तो फर्स्टली पेंटोस शुगर ये ऐड होती है विद द नाइट्रोजन बेस एंड ये फॉर्म करती है न्यूक्लियोसाइड इन न्यूक्लियोसाइड्स के नेम डिपेंड करते हैं नाइट्रोजन बेस पे लाइक like, न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन में पेंटोस शुगर तो डिऑक्सीराइबोस टाइप ही होगी बट जो नाइट्रोजन बेस होगा उस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का न्यूक्लियोसाइड होगा न्यूक्लियोसाइड्स के भी डिफरेंट नेम्स होते हैं नाइट्रोजन बेस शुगर से अटैच होती है एट वन डैश ऑफ कार्बन एंड इनके बीच जो लिंकेज का फॉर्मेशन होता है दैट्स कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एन मीन्स नाइट्रोजन एंड ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एज द पेंटो शुगर इज देयर सो नाइट्रोजन बेस एंड पेंटो शुगर न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं एज देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस सो न्यूक्लियोसाइड्स भी फोर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सो so, ये फोर डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोसाइड डीएनए के हैं डी एडेनोसिन एडनोसिन डी ऑक्सी डी साइटोसिन एंड डी ऑक्सी देन इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है एंड देन ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है न्यूक्लियोटाइड सिंगल यूनिट न्यूक्लियोटाइड की बनती है तो उसका भी डिफरेंट नाम होगा जैसे सपोज अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन था सो न्यूक्लियोसाइड वॉज डी ऑक्सी एडनोसिन ना वन फोसफेट ग्रुप इज एडिड सो द नेम विल बी ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइट डी ऑक्सी एडनोसिन मोनोफोसफेट फोसोफेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइट से अटैच होता है बाई अ लिंकेज एंड एच टू वो रिलीज हो जाता है दिस लिंकेज विच इज फॉर्म इज कॉल्ड फोसफो एस्टर लिंकेज सो फोसफोएसटर लिंकेज इज द लिंकेज

डाई एस्टर लिंकेज से बिकॉज इनके बीच में एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है फॉस्फोरस के बीच ये फॉस्फेट ग्रुप के बीच ये लिंकेज का फॉर्मेशन होता है दैट्स वॉट दिस इज कॉल्ड फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज एंड देन न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड जब न्यूमरस न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो जाते हैं इन दिस यूनिट इन दिस डाई न्यूक्लियोटाइड देन ये एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पॉली न्यूक्लियोटाइड इन दिस वन एंड ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कंटेन्स पिनटोस शुगर विथ फ्री ओ एच एट फाइव डैश जबकि अदर एंड कंटेन्स शुगर विथ फ्री ओ एच एट थ्री डैश दैट मीन्स द पोलैरिटी विल बी फाइव डैश थ्री डैश शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म करते हैं बैकबोन का इस पॉली चेन में एंड नाइट्रोजन बेस सेंटर में लिंक होते हैं टू फॉर्म शुगर मोइटी एंड ये प्रोजेक्ट करता है बैकबोन को एक्चुअली ये बैक बोन की तरह फंक्शन करता है नाइट्रोजन बेस सेंटर में आ जाते हैं इन द ईयर 1951 फिफ्टी वन ऑस्ट्रियन अमेरिकन बायो केमिस्ट चैरगैफ चैरगैफ स्टडी दैमिकल नेचर ऑफ डी एन ए इन्होंने डी एन ए केमिकल नेचर पर स्पेशली बेसिस ऑफ डी एन ए स्टडी की एंड इन्होंने कुछ रूल्स दिए थे अबाउट दिस डीएनए स्ट्रक्चर चार का मानना था दैट जो भी परसेंटेज हो एडेनिन की वो इक्वल होती है द परसेंटेज ऑफ थायमिन एंड जो ग्वानिन की परसेंटेज होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है टू द साइटोसिन की एंड जो भी टोटल अमाउंट एडेनिन एंड ग्वानिन होगा वो फिफ्टी परसेंट होगा एंड फिफ्टी परसेंट साइटोसिन एंड थायमिन होगा टोटल अमाउंट जो डीएनए में होगा वो एटीजीसी जी सी होगा ऑलवेज दैट मीन्स वी कैन से एटीजीसी जी सी इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट एंड अमाउंट ऑफ एटीजीसी जी सी डी एन ए में किसी भी स्पीशीज में वेरी करती है ये डिपेंड करती है कि कौन सी स्पीशीज है दैट मीन्स एटीजीसी जी सी का नंबर या बेस पेयर्स के नंबर हर एक स्पीशीज में इक्वल नहीं होंगे ये डिपेंड करते हैं स्पीशीज़ पे कि कौन सी स्पीशीज़ है वो बट येस yes, जो डीएनए होगा उसमें ओवरऑल जो भी नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो यही फोर टाइप होंगी टी जी सी दैट ए टी जी सी हंड्रेड परसेंट फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स में एडिनिन थर्टी पॉइंट टू एंड थायमिन थर्टी पॉइंट थ्री ग्वानिन नाइनटीन पॉइंट नाइन एंड साइटोसिन नाइनटीन पॉइंट नाइन ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है जो भी पॉलीन्यूक्लियोटाइट्स की टू चेन्स होती हैं ये इंटरैक्ट करती हैं विथ ईच अदर एंड द स्पेस बिटवीन द पॉली न्यूक्लियोटाइड इज सच दैट द टू रिंग पेरमिडिन इंटरैक्ट विद द सिंगल रिंग ऑफ पैरामिडिन एंड इन दिस वे दो चेन्स हेल्ड होती हैं टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड सो सेंटर में जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं इनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है ये पेयर so है, है, करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें एडन हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्योर का फॉर्मेशन करता है थायमिन इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं जबकि ग्वानिन ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्योरिंग करता है विथ साइटोसिन विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड टू चेन्स के बीच कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्योरिंग बहुत इजेंशियल होती है फॉर रिटेनिंग एंड एक्सप्रेसिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दीज टू बेस्ड पर्स कैन बी डिस्टर्ब्ड बाई हीट एंड सम कैमिकल दैट मीन्स बाई अप्लाइंग हीट हाई टेम्परेचर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं दैट मीन्स हम डी एन ए को डी नेचर्ड कर सकते हैं सो दिस इज अबाउट डी एन ए नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस अबाउट द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ फोर्सन एंड क्रिक टिल देन रिवाइज इट